There is a very worrying trend in our country's working population. ऐसा लग रहा है कि वर्कफोर्स में महिलाओं की पार्टिसिपेशन बहुत कम होती जा रही है। Yes, सही सुना आपने। इंडिया, हम एक ऐसी कंट्री हैं जो एक्टिव, एंथुजियास्टिक, बेचैन नौजवानों से भरा हुआ है। We are a youth that is waiting for opportunities ताकि हम बाकी दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। और ऐसा कर पाने के लिए हम में से ज्यादातर यंग लोग अपनी जॉब्स को एक जरिया मानते हैं। For most of the working population of this country, हमारी सेल्फ वर्थ हमारे काम से आती है एंड मोर सो फॉर दोज हु आर फ्रॉम रूरल और अंडरप्रिविलेज्ड बैकग्राउंड्स। अमिड्स्ट ऑल ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज दैट एग्जिस्ट, आवर वर्क, आवर जॉब्स give us an opportunity to be equal and we battle all odds in our lives just for that one opportunity. और अब जहाँ कि हम देखते हैं कि इंडिया में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, फैक्ट्रीज हैं और बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, आप अज्यूम करोगे कि इंडिया में सबके पास काम करने की, पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी है। बट हियर्स द थिंग, स्टैटिस्टिक्स शो दैट लेस देन 20% ऑफ वर्किंग एज वुमेन आर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स। दिस नंबर वाज 32% इन 2005, यानी कि 17 साल पहले। सी, इवन 32% इज नॉट अ पर्टिकुलरली ग्रेट नंबर, इट्स लेस देन 1/3. But the fact that it is falling is even more surprising. This is a time of feminist movements. Conversations about equality and inclusivity have never been so common. In fact, 17 साल पहले के मुकाबले women safety के लिए आज ज़्यादा provisions हैं। तो फिर हो क्या रहा है? क्यों 17 सालों में महिलाओं की पार्टिसिपेशन 13% और नीचे गिर गई है? Okay, first off, पैंडमिक का इम्पैक्ट कंसिडर करते हैं। As soon as the lockdowns hit us, a lot of Indians lost their jobs. Obviously, both men and women were included in this. But you know what? It was tougher for women to re-enter the workforce after that. Why? Because of the way our society thinks. Lockdown stopped women from going to schools, colleges. सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि schools और colleges बंद थे, but इसलिए क्योंकि families की income कम हो गई थी और जब किसी परिवार की income कम हो जाती है तो सबसे पहले घर की महिलाएं इसका इम्पैक्ट अब्सॉर्ब करती हैं। लड़कियों की पढ़ाई पर असर पड़ता है, तो कई फैमिलीज अपनी बेटियों की पढ़ाई की फीस नहीं भर पा रहे थे। और फिर क्या होता है, हमारे देश के कई हिस्सों में एक यंग अनमैरिड लड़की घर पर बोझ मानी जाती है, उनकी शादियां करा दी गई। और वैसे भी एक लड़की ने ज़्यादा पढ़ के क्या करना है, इस सोच का डायरेक्ट इफेक्ट था कि चाइल्ड मैरिजेस बढ़ गई। यंग गर्ल्स हु मे हैव डिसाइडेड टू वर्क आफ्टर देयर एजुकेशन हैड टू कट शॉर्ट देयर ड्रीम्स एंड गेट मैरिड. And after marriage, the expectation is that she will look after the house and its members, not go out and work. Imagine another scenario. Many women who may have fought their families back in their villages just to go to the city and work had to return to their villages during the lockdown. So many of these women may not have been able to fight their families all over again just to go back to the city. Not to mention that the economy itself had shrunk. Unemployment बढ़ गया था, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज वैसे ही कम थी। एक लेटेस्ट रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि आज यानी लॉकडाउन्स के बाद 90% ऑफ इंडियन वुमेन वर्कफोर्स का हिस्सा नहीं है। ये बात हमें यमन जैसे देश की कैटेगरी में डाल देता है और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। पूरे साउथ एशिया में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट या LFPR इंडिया में सबसे कम है। इनफैक्ट इफ यू टेक अ क्लोजर लुक एट दिस वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, Bangladesh and Pakistan's female labor force participation has been going up. Nepal has a very high and stable female LFPR, but India's has been steadily declining. तो अगर हम पैंडमिक के इम्पैक्ट को इग्नोर भी करें तब भी फीमेल LFPR इंडिया में कुछ बहुत बढ़िया नहीं था। 2004 से 2011 वो साल थे जब इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही थी, लेकिन उन्हीं सालों में फीमेल वर्कफोर्स एक्सपीरियंस्ड अ स्टीप डिक्लाइन. This tells us that the fruits of that growth did not flow equally to men and women, at least not in terms of empowerment. अब देखिए, आप comments में please इस बात को political मत बना देना, because this is not about politics. This is about statistical trends. And you know, this statistical trend tells us one more interesting thing. Women stop working when the men in their house start earning better. This isn't that hard to understand. After all, हम कई बार देखते हैं कि किसी घर की महिलाएं तब काम करना शुरू करती हैं जब शायद उस घर के खर्चे पूरे ना हो रहे हों। जैसे ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है, घर के मर्द अच्छा कमाने लग जाते हैं, तो महिलाओं को बोल दिया जाता है कि अब तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम घर की देखभाल करो। While this may sound like it is good for the women, after all the families are thinking about their comfort, their safety, right? It's actually not. Do you realize कि यहाँ पे उस महिला की अपनी क्या चॉइस है, ये तो कंसिडर ही नहीं किया जा रहा। क्या पता उसे काम करना सच में पसंद ही हो। ऑल्सो वाई इज कम्फर्ट एंड सेफ्टी सच अ बिग डील फॉर वुमेन व्हेन इट कम्स टू देयर जॉब्स? सो मेनी वुमेन डोंट टेक अप जॉब्स इफ देयर ऑफिसेज आर नॉट क्लोज टू देयर होम्स। सो मेनी वुमेन कांट वर्क लेट आवर्स इफ रिक्वायर्ड। क्यों उन्हें हमेशा ऑफिस की दूरी और टाइमिंग्स का ध्यान रखना पड़ता है? If safety concerns for women can be addressed, many more women would take up jobs regardless of how far the office is. This can be done on a public policy level as well as through private initiatives of companies. Women should feel free to travel. बट जब तक इन सब बातों का ठीक से सोल्यूशन नहीं निकाला जाता, एम्प्लॉयर्स भी मेल एम्प्लॉयज को हायर करना प्रेफर करेंगे। एंड इफ दे डू हायर फीमेल एम्प्लॉयज, दे माइट पे देम लेस, जिससे कि वेज गैप क्रिएट हो जाएगा, जस्ट बिकॉज सम वुमेन कांट वर्क लेट इनटू द नाइट। अनदर रीजन दैट वी सी अ डिक्लाइन इन फीमेल LFPR इज द काइंड ऑफ जॉब्स दैट हैव बीन क्रिएटेड इन रीसेंट ईयर्स। द जॉब्स क्रिएटेड हैव ईदर बीन इन द इनफॉर्मल सेक्टर लाइक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, एटसेट्रा. Or if you look at the formal sector, jobs have increased in male-dominated industries like steel, petroleum and minerals, banking, insurance, etc. In all of this, there is one silver lining. One major reason that the female LFPR goes down is when more women take up education. Simple सी बात है, अगर 15 से 29 साल की महिलाएं हायर स्टडीज़ या बेटर डिग्रीज़ की पढ़ाई में लगी हुई हैं तो उस टाइम पर वो जॉब नहीं करेंगी। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कैंपेन्स होने पर उम्मीद यही है कि लो फीमेल LFPR का एक रीज़न पढ़ाई है। Of course, here while discussing the statistics, we are not even talking about the main issue, a more cultural issue, the freedom of choosing to work. The outlook towards working women. जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन है, वैसे और भी कैंपेन्स हो सकते हैं जो वर्किंग वुमेन की तरफ हमारा नजरिया बदलें, जो वर्किंग वुमेन को एम्पावर्ड दिखाएं, मजबूर नहीं। वुमेन डोंट जस्ट वर्क आउट ऑफ नेसेसिटी, दे वर्क आउट ऑफ चॉइस टू, यू नो, बिकॉज दे लाइक वर्किंग. Like I said at the beginning of the video, the working population finds its worth in its work. और ये सिर्फ एक और वुमेन एम्पावरमेंट कैंपेन क्रिएट करने वाली बात नहीं है। हमारे देश की जितनी ज़्यादा महिलाएं वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट करेंगी, हमारी कंट्री की GDP को उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। लुक एट दिस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट। इट सेज फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट्स indicate the potential for a country to grow more rapidly. Finding ways to give more and more jobs to women can actually significantly improve our economy. It will actually push economic growth. What do you think? Let us know in the comments below. And for more such content, subscribe to Hauterrfly.